तो दोस्तों सामने देख सकते हो सुंदर सा झरना पानी का। हेलो दोस्तों, तो अभी हम हैं ढोकाने वाटरफॉल, जैसे कि आप देख सकते हो इधर साइड पे। तो नीचे चलते हैं और आपको नीचे जाते ही दिखाते हैं वाटरफॉल। तो अभी फ़िलहाल हौले हौले हम चल रहे हैं। सामने देख सकते हो सुंदर सा झरना पानी का, ये है ढोकाने वाटरफॉल। तो ये आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पर आपको ये वाटरफॉल देखने को मिलेगा। आप अगर खैरना से आते हो ना, खैरना भुजान और भवाली से होते हुए आते, तो आपको ये 15 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलेगा, वो भी अल्मोड़ा वाले हाईवे पे। अगर आप अल्मोड़ा से होते हुए आते तो अल्मोड़ा से आपको इसकी दूरी करीबन 17 किलोमीटर 16 या 17 किलोमीटर समथिंग होगी। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं नीचे वाटरफॉल पे, और नीचे मैं आपको वाटरफॉल दिखाता हूँ कैसा है। यहाँ से तो बहुत प्यारा दिख रहा है, नीचे जाके और सुंदर दिखेगा। तो चलते हैं नीचे। अभी मैं जा रहा हूँ ना नीचे को, तो यहाँ पर इतनी मस्त ठंडी हवा चल रही है, बहुत मस्त ठंडी हवा चल रही है। और फिलहाल तो आज का वेदर ना, मतलब बादल लगे हुए हैं, धूप भी हल्का हल्का आ रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। और कई लोगों को जैसे पहाड़ों पे झरने के नीचे नहाने का शौक़ है, मतलब अच्छा लगता है, तो आ सकते हैं आप। और मैं आपको इसका बाकी जो है जिस लोकेशन पे है ना, तो इसका जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा इसका लिंक। तो फिलहाल इधर सामने देखो, इधर स्टे भी है, और ये देखो यहाँ पर झंडे भी टकाए हुए हैं। और फिलहाल तो हम चलते हैं इधर को नीचे, और नीचे सामने देखो ये स्टे और सामने अपना वाटरफॉल। फिलहाल जो है हम आ चुके हैं वाटरफॉल के पास में, और चलते हैं इसके नज़दीक। और सामने देखो स्टे, होम स्टे, मतलब अगर आपको झरने के पास वन नाइट टू नाइट जितना भी आप, तो यहाँ पर रुक सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर अलग अलग चार्जेस होंगे। तो अभी तो इस सब को छोड़ते हुए हम चलते हैं वाटरफॉल पे, और वाटरफॉल के आपको सुंदर से नज़ारे दिखाता हूँ। तो भाई साहब यहाँ पर आके मज़ा आ गया, बहुत ख़तरनाक ही वाटरफॉल है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल से नहा धो के, इधर हमारे भाई लोग। दोस्तों अभी हम ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऊपर जाते जाते ना सांस फूल गई मेरी, क्योंकि हम जो है मेन रास्ते से नहीं आके शॉर्ट रास्ते से आ रहे हैं। जैसे कि देख सकते हो इस रास्ते से आए हम, तो बहुत टफ रास्ता है। पहाड़ के जो लोग हैं वो तो इस रास्ते पे चले जाएंगे, लेकिन जो प्लेन्स के लोग हैं वो उनका जाना इन रास्तों पे थोड़ा टफ होगा। तो फिलहाल चलते हैं आगे को, और थकान बहुत ज़्यादा लग रही है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल तो चल देते हैं हम घर की ओर, और वाटरफॉल में हमने नहा धो लिया। कभी आपको विज़िट करना हो इस वाटरफॉल पे तो एक बार ज़रूर आना, ढोकाने वाटरफॉल। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। तो फिलहाल तो अब मैं चलता हूँ घर की ओर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।